वेदांता के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है और वहीं पर अगर आप लोग वेदांता के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर वेदांता के शेयर्स की परफॉर्मेंस में अब तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस एक ही दिन में 8% तक गिर चुकी है और जैसे कि आप एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं यहाँ पर भी एक हफ्ते में नेगेटिव परफॉर्म किया है। और वहीं पर अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले एक महीने से इस कंपनी के शेयर्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। एक साल के डेटा को देखेंगे तो एक साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देंगे, फाइव ईयर के रिटर्न में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देंगे, लेकिन अगर ऐसा क्या हुआ कि वेदांता के शेयर्स की प्राइस विद इन अ डे 8% से ज्यादा गिर चुकी है। अगर आप लोगों ने वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वेदांता के शेयर्स क्यों गिरते जा रहे हैं और करंट टाइम पीरियड में आपको वेदांता के शेयर्स को होल्ड करना है कि नहीं करना है। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वेदांता के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है। अगर पास्ट के डेटा को देखेंगे तो पास्ट में वेदांता के शेयर्स को लेकर मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी जहां पर वेदांता के शेयर्स में करेक्शन आए थे और वेदांता के शेयर्स की प्राइस गिरने की वजह से इसके इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर पास्ट की बात करें तो पास्ट में वेदांता के शेयर्स को लेकर वेदांता के शेयर्स के रेवेन्यू को लेकर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज फैली थी कि वेदांता के शेयर्स में, और वो न्यूज ये थी कि वेदांता ने नेगेटिव परफॉर्म किया है और वेदांता को उतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुए हैं जितने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किए गए थे। इसके अलावा भी मार्केट में वेदांता को लेकर पास्ट में बहुत सी ऐसी खबरें आई थी जिसकी वजह से वेदांता के शेयर्स की प्राइस गिरी थी, लेकिन करंटली मार्केट में वेदांता के शेयर्स के गिरने के पीछे का रीजन कुछ और है। और वेदांता के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे का रीजन यह है कि वेदांता के कुछ प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के परसेंटेज को कम कर रहे हैं। और वहीं पर स्पेसिफिक बात की जाए तो स्पेसिफिकली ट्विन स्टार होल्डिंग्स अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करने वाला है। करंटली ये कंपनी 46% होल्ड करती है वेदांता लिमिटेड में और वहीं पर आने वाले टाइम पीरियड में ये कंपनी 4.31% स्टेक को सेल करने वाली है। अगर इन 4.31% स्टेक की वैल्यूएशन को निकाला जाए तो इसकी वैल्यूएशन निकल कर आती है 4130 करोड़ की और यहाँ पर कंपनी अराउंड 16 करोड़ शेयर्स को सेल करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने एक और ऑफर दिया है 5% डिस्काउंट का, मतलब यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप लोग वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फिगर्स हैं और वहीं पर अगर मेजॉरिटी प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच देंगे तब यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आएगी और मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में अगर वोलेटिलिटी कंपनी के शेयर्स की ज्यादा होती है तो कंपनी के शेयर्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मार्केट में पूरा पता नहीं चला है कि इन 4.31% स्टेक को कौन परचेज करने वाला है, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या FIIs हैं। अभी तक मार्केट में इसके रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट नहीं आई है और जैसे ही मार्केट में इसके रिगार्डिंग में कोई अपडेट आती है वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो चैनल पर बने रहना। और बाय द वे आप लोगों ने वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको पता है वेदांता के शेयर्स में लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन है डिविडेंड। कंपनी बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर करती है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों के शेयर्स में अगर ग्रोथ नहीं आती है तो डिविडेंड के थ्रू आपको एडिशनल इनकम कमाने का सोर्स मिलता है। लेकिन आप लोगों ने वेदांता के शेयर्स में किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट किया था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।